गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है, चैप्टर 8.3 है तुम्हारा ये। तो इसमें देखेंगे जरा, ये करना है इवलेट साइन 18 अपॉन कॉस 72, नेक्स्ट टेन 26 बाई कॉट 64, थर्ड है आपका कॉस 48 माइनस साइन 42, और फोर्थ वाला है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। इसको सॉल्व किस करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको इसमें आईएनटी यूज करनी पड़ेगी। और कौन कौन सी आइडेंटिटी है आपकी? तो पहली आइडेंटिटी है साइन 90 माइनस ए, तो ये आपका कॉस ए के बराबर होता है। दूसरी आइडेंटिटी जो है आपकी, वो इसकी जस्ट अपोजिट है, कॉस 90 माइनस ए, ये आपका साइन ए बराबर। थर्ड होती है आपकी टेन 90 माइनस ए, तो ये कॉट ए के बराबर। और फोर्थ वाला होता है कॉट 90 माइनस ए बराबर होते तुम्हारी टेन ए के। और अगला है तुम्हारा फिफ्थ वाला सेक 90 माइनस ए, ये होता है आपका कोसेक ए। सिक्स वाला है आपका कोसेक ए 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? सेक ए। तो अब इन आइडेंटिटी को यूज किस तरीके से करेंगे ये इस क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहला आपका पहला क्वेश्चन है साइन 18 कॉस 72। तो अब देखेंगे साइन 18 को हम चेंज करेंगे साइन, और 18 को 90 माइनस अगर 72 लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा? 18 आ जाएगा। और यहाँ कॉस 72, इसको आगे सॉल्व करेंगे हल्का सा, तो क्या है साइन 90 माइनस ए। तो अब आइडेंटिटी लगेगी आपकी ये वाली, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो कॉस ए का मतलब यहाँ कॉस, और ए आपका आ रहा है 72 डिजिट में। और यहाँ देखेंगे तो ये भी किस में आ रहा है? कॉस 72 डिजिट में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। पहला क्वेश्चन। सेकंड देखेंगे टेन 26 कॉट 64, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन 90 माइनस 64, इसे देखेंगे कॉट 64, तो ये आपका जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64। ये कॉट कैसे आया? तो टेन 90 माइनस ए, तो यहाँ देखेंगे टेन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉट ए के बराबर। यानी ए जो होता है आपका, कोई भी अर्थमेटिक डेट होती है वही ली जाती है। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1, ये भी आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आपका इसी का, कॉस 40 और सॉरी कॉस 48 माइनस साइन 42, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये देखेंगे रहा, इसमें कॉस 90 माइनस 42, और ये आपका क्या है? साइन 42। तो देखो यार, यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर? साइन ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। ये इसका आंसर है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका, उसको देखेंगे तो कॉसेक 31 सेक 59, तो ये भी इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से अगर 59 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 31 माइनस सेक 59, तो ये आपका जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59। अब देखो यार, ये प्लस का, ये किसका? माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसी चैप्टर का है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड, 1048, 1023, 1042 और 1067 = 1। ये आपको क्या करना है? ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। और प्रूव किस तरीके से करेंगे? देखो, जिनके बीच में कुछ भी साइन नहीं होता तो उसका हम क्या मानते हैं? उसको मानते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 1048 × 1023 × 1042 °/1067 = 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ देखो 48 है, यहाँ पर क्या है? 42 ये वाला। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो 48 और 42 कितना आता है? 90। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 48 इंटू
इस वाले को हम चेंज कर लेंगे किस में, वन अपॉन कॉट 42 में, ठीक है। टेन को हमने किस में चेंज कर लिया, कॉट में कर लिया, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तुम्हारा जस्ट अपोजिट। फिर इसका अगला जो करेंगे वो है टेन 23, और इसको लिखेंगे हम इनटू टेन, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं वन अपॉन कॉट 67, ठीक है, इजिक्वल टू वन ले लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो टेन 90 माइनस 42 ले लेते हैं इनटू वन अपॉन कॉट 42, तो इस तरीके सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको करेंगे तो 10 90 माइनस 67 इंटू वन अपॉन कॉट 67। अब देखो वही वाली आइडेंटिटी लगेगी जो पिछले क्वेश्चन में लगी थी आपकी, कौन सी वाली, 10 90 माइनस ए, तो किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर। तो यहाँ पर कॉट ए क्या आपका 42 इंटू कॉट 42, और इसको करेंगे तो ये भी वही कॉट 67 इंटू वन अपॉन कॉट 67। अब देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए, कॉट 42 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हम ये कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, वन इंटू वन, वन इंटू वन इजिक्वल टू वन, तो ये भी वन और ये भी वन, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इजिक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी चैप्टर का है, कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इजिक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वही सॉल्व करेंगे कॉस 90 माइनस 52, और इसको भी सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को तो कॉस 90 माइनस 38, और ये वाला आप जैसा है वैसे ही रखेंगे 38 और ये साइन 52 डिग्री। अब इसको करेंगे देखो कॉस 90 माइनस ए तो ये चेंज हो जाएगा आपका साइन में, साइन 52 और ये आपका जाएगा साइन 38, और इसे करेंगे तो ये भी साइन 38 और ये आपका साइन 52। अब देखो दोनों सेम हो गए, साइन 52 ये हो गया तो यहाँ भी ये दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो आपका जीरो इजिक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड इजिक्वल टू क्या जाएगा, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन है आपका उसी चैप्टर का, इफ टेन टू ए इजिक्वल टू कॉट ए माइनस 18 वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें टेन टू ए कॉट ए माइनस 18। अब आप देखें कॉट ए माइनस 18 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेन टू ए इसको लिखेंगे टेन 90 माइनस और ब्रैकेट में लेंगे इसको ए माइनस 18, इसको सॉल्व करेंगे तो टेन 2a इज इक्वल टू 10 90 माइनस ए प्लस 18, 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा 2a इज इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस 18। आप देखो क्या करेंगे 90 और 18 तो इसको जोड़ लेंगे 2a माइनस ए और ये आपका जाएगा प्लस का 108, 2a माइनस सॉरी प्लस ए और 108, हमने क्या करा माइनस ए को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3a इजिक्वल टू 108, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 108 बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a 36, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का आपका फोर्थ, इफ़ टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, आपका इसमें प्रूव करना है हमको ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 90, तो किस तरह से करेंगे टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, अब आप कॉट बी को किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको कॉट बी को लिख सकते हैं हम टेन ए बराबर टेन 90 माइनस बी, ये 90 माइनस बी आपका क्या है कि वही आइडेंटिटी पिछली वाली जो है कि टेन 90 माइनस ए जो है वो किसके बराबर होता है कॉट ए के, तो यहाँ पे ए क्या आ रहा है आपका बी, तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा ए और यहाँ बचेगा 90 माइनस बी, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि बी को ट्रांसफ़र करेंगे तो ए प्लस बी इजिक्वल टू क्या आ जाएगा 90, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा इट्स प्रूव।
ये आपका प्रूव हो जाएगा।